राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजा जी का ढाबा में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आलू परवल की शादी सब्जी, शादी पार्टी स्टाइल। जैसे कि हमारे दिल्ली में जब शादी पार्टी होता है तो हम शाही पनीर और दाल मखनी ज़रूर बनाते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ जब शादी होता है तो हम आलू परवल की सब्जी एकदम कंपलसरी होता है। तो चलते हैं आलू परवल की सब्जी बनाने। ये देखिए, हमने परवल 3 किलो लिया है और आलू 1.5 किलो लिया है। आप चाहें तो कोई भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको हम परवल को इस तरह से छीलना से नहीं छीलते हैं, देखिए छीलना इससे ऐसे, इससे ज़्यादा गुद्दा निकल जाता है, इससे नहीं छीलते हैं हम। चाकू लगाते हैं और चाकू से इस तरह से हल्का हल्का खाली ऊपर का पार्ट हम हटा देते हैं, देखिए इस तरह से। और जो पीछे का पार्ट होता है उसको भी हम ऐसे काट देते हैं, और इस तरह का आगे पीछे का दोनों पार्ट हम काट देते हैं, और जो भी इसमें छिलका होता है वो हटा देते हैं। हल्का अगर छिलका है रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, एक कड़वा नहीं बनता इससे। और इसको हम बीच से काटेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसके हम बीच से इस तरह से भी आप काट सकते हैं, जब ज़्यादा बड़ा परवल हो तो इस तरह से काट के बीच में थोड़ा सा क्रॉस लाइन दे दें, यहाँ पर इतना इतना। अगर कोई छोटा परवल है तो कैसे काटेंगे उसको भी मैं आपको बता रहे हैं, ये बड़ा परवल का हिसाब है। बहुत बड़ा परवल है तो, अगर छोटा परवल है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक छोटा परवल लेके इसमें से। देखिए जैसे ये छोटा परवल है मेरा, तो इसको हम चाकू से इस तरह से छीलेंगे। परवल छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, परवल होना चाहिए कच्चा जिसका बीज एकदम मुलायम हो। ये देखिए, अब इसका हम पीछे का ही पार्ट और आगे का पार्ट दोनों तरफ का काट देंगे। ये छोटा परवल है तो इसको हम फिर 2 पीस ही करेंगे, लेकिन बीच से खाली ऐसा कट करेंगे, बस इतना कट करेंगे। ये छोटा परवल का हिसाब है, वो बड़ा परवल का हिसाब है, तो इसी तरह से हम सारा परवल को काट देंगे। अभी इसी हिसाब से हम आलू को भी हम करेंगे। साइज इक्वल होना चाहिए, आलू पीस आपके पास बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, सारा पीस इक्वल होना चाहिए। कोई आलू का पीस बड़ा हो जाएगा तो कच्चा रह जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो ज़्यादा पक जाएगा। इस वजह से आलू बड़ा हो छोटा हो मायने नहीं रखता है, आलू को हम इक्वल काटेंगे, ये ध्यान रखना है। ये देखिए, हम इस तरह से आलू को ले लिए और इसमें हम 3 पीस बनाएंगे। इस तरह से हम 3 पीस बनाएंगे। इस तरह का हम अगर साइज रखते हैं, ये देखिए इस तरह का हम साइज रखते हैं तो ठीक है, इससे बड़ा नहीं करेंगे, इससे बड़ा करेंगे तो दिक्कत है, तो कच्चा हो जाएगा। तो हम सारा आलू को इस तरह से काट देंगे और सारा परवल को हम छील देंगे। ये देखिए, हमने तेल गर्म कर दिया है और पूरा तेल गर्म होना चाहिए, इसी में हमने परवल को काट के धो लिया है। अब इसमें हम इसको फ्राई करेंगे, ये देखिए ऐसे। ये देखिए, हम गैस का फ्लेम तेज रखेंगे और इसको फ्राई कर देंगे। इसको एक चक्कर फ्राई होने में 5 मिनट लगेंगे, फिर दूसरा चक्कर भी हम फ्राई करेंगे, और फिर तीसरा चक्कर हम जो आलू काट रखे उसको भी फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी परवल जो हमने फ्राई किया था इसको 5-7 मिनट लग गया है, और इस तरह से हम फ्राई करेंगे। तो निकाल कर रख लेते हैं इसको। अब इस तरह हम दूसरा परवल को फ्राई करके रख लेते हैं। ये देखिए, हमारा परवल फ्राई हो चुका है। ये अब आलू को भी हम फ्राई कर देते हैं और इसको भी हम बढ़िया से फ्राई कर देंगे। इसको भी लगेगा 5 मिनट, इसको भी लग जाएगा फ्राई करने में। ये देखिए, हमारा आलू, इसको हम 5 मिनट फ्राई किए हैं और आलू हमारा हो चुका है। इसको निकाल देते हैं, एक ही साथ रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए, हमने आलू परवल को फ्राई कर दिया है। यहाँ पे हमने 3 पाव प्याज लिया है और 3 पाव टमाटर, ये दोनों को बारीक बारीक काट दिए हैं। आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। मसाले में हमने लिया है 2 टेबल स्पून लाल मिर्चा, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तड़के में हम लिए हैं 5-7 हरी मिर्च बारीक बारीक कटा हुआ, और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन यानी कि 1 चम्मच 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक हमने बारीक बारीक कटा हुआ लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तड़के में हमने लिया है 3-4 पत्ते तेजपात के और 1 टेबल स्पून जीरा। ये देखिए, हम आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रख लिए हैं और कढ़ाई को गर्म कर दिए हैं, और इसी में सरसों का तेल डालेंगे, लेकिन सरसों का तेल हम कम ही डालेंगे, 100 ग्राम करीब डालेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सबसे पहले आलू और परवल को फ्राई कर दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसी में हम डालेंगे तड़का में जो जीरा दिया था वो,
और यहीं पे तेजपत्ता डाल देंगे। हमारा तड़का तड़क गया है तो यहीं पे हम अदरक लहसुन डाल देते हैं। यहीं पे हम मिर्ची भी डाल देते हैं। यहीं पे हम प्याज को भी डाल देते हैं। अदरक लहसुन के साथ प्याज को भी हमें बढ़िया से भूनना है। ये देख लीजिए, हम प्याज को 5 मिनट भून लिए हैं। अब बहुत हद तक प्याज भून गया है तो यहीं पे हम टमाटर डाल देते हैं। आप चाहें तो प्याज टमाटर को पीस के भी ग्रेवी बना सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्टी होता है। देखने में थोड़ा ठीक नहीं होता है लेकिन टेस्टी होता है। अब यहीं पे हम जो मसाले लिए तो वो भी डाल देते हैं। और यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब हमें इसे इतना भूनना है मसालों के साथ टमाटर को कि टमाटर बढ़िया से गल जाए। तो देख सकते हैं इसमें पानी डालना पड़ेगा तभी हमारा मसाला। 1-2 मिनट हम भून देते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको पका लेंगे टमाटर को। यहाँ पे हम 1/2 लीटर पानी डाल देते हैं। मसालों को ढक के हम कम से कम 10 मिनट पकाएंगे, या जब तक पकाएंगे जब तक टमाटर बिल्कुल गल ना जाए। तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। अब इसको ढक के पका देते हैं। इसको ढक देते हैं। मसाले को हमने ढक के 5 मिनट तक पका लिया है। अब इसका ढक्कन हटा देते हैं। देखिए, हमारा मसाला बढ़िया से पक गया है। जब हमारा मसाला बढ़िया से पक जाएगा तो जो हमने आलू और परवल को फ्राई करके रखा है वो इसी में डाल देंगे। इस तरह से सब्ज़ी अगर परवल की बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए, यहीं पर हम आलू परवल को डाल देते हैं और अब इसको 3-4 मिनट तक और मुश्किल से हमें पकाना है, क्योंकि हमारा ये फ्राई आलू परवल तो है ही है और मसाले हमारे बढ़िया से पक गए हैं। इस तरह से आलू परवल की सूखी सब्ज़ी बनाएं और रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। देखिए, हम इसको 2-3 मिनट और इसको भून देते हैं मसाले के साथ, क्योंकि परवल में और आलू में तो मसाले हैं नहीं हैं, तो जो मसाले हैं इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएंगे और सब कुछ बढ़िया से पक चुका है। इस तरह से भी आप सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं। और यहीं पे हम बहुत सारा धनिया पत्ता डाल देते हैं। हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं। परवल की सब्ज़ी पे हम धनिया पत्ता डाल के सर्व कर देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है आलू परवल की सब्ज़ी की, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पे फॉलो करें। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं और उसका कोई भी सामग्री चाहिए आपको, तो मेरा वेबसाइट है dadajikadhaba.com, उस पर विजिट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ से रेसिपी का सामग्री आप ले सकते हैं। आप जो भी कमेंट्स में लिखते हैं हमें रेसिपी के लिए, उसको हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी वो रेसिपी को अपलोड करें। और जो भी आप कमेंट करेंगे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आप वीडियो अपलोड करें। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी। ये देखिए, हमारी सब्जी कितना लजीज बनी पड़ी है। फिर इसको हम सर्व करते हैं। आप इसको रोटी पराठे के साथ मज़े से खा सकते हैं। ये बाबूजी, ये मटर पनीर दाल मखनी के बराबर है ये, इतना इसका। और आज अभी अभी टाइम में 60-70 रुपये किलो है पैकारी रेट में। फोटो खींच ले।